बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गोल गले पे वी कट पे जो हम पट्टी लगाते हैं, वी कट पे बॉर्डर की पट्टी जो लगाते हैं उसको हम किस तरह लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये एक तकरीबन 2 इंच की पट्टी है, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ 1 इंच का बॉर्डर चाहिए और हमें 1 इंच के ही फ्यूज़िंग की पूरी एक पट्टी काट लेनी है। तो ये मैंने कटिंग करके रखी हुई है, तो आप इसकी लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये 13 इंच की इसकी जो लेंथ है वो रखनी है, तो ये मैं जॉइंट में इसमें चिपका दूंगी। और ये जो बॉर्डर है वो भी आप इसकी चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 इंच का बॉर्डर लेना है। तो हम अब इसकी ना गले की कटिंग करेंगे। फ्यूजिंग का एक पीस ले लेना है, उसके साथ उस पर आप अपने हिसाब से जो आपका नाप हो, जो साइज़ हो, उस हिसाब से आपने अपने जो गले की कटिंग है वो कर लेनी है। मैंने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है नेक की, और इसकी जो लेंथ है वो हमने इसका पहले गोल हाला काटना है, तो वो हम लेंगे तकरीबन 5.5 इंच, क्योंकि अभी इसमें वी कट भी लगाना है, तो तकरीबन 2.5 इंच का जो है वो वी कट लगेगा। तो ये 7.5 इंच तकरीबन जो इसकी जो लेंथ होगी डीप में वो 7.5 इंच होगा। ये सबसे पहले तो हम इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने स्क्वायर एक बॉक्स बना लिया और इसको हम हल्का सा यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1 इंच का तिरछा करके, और इसके एक निशान, इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे, तो ये एक गोल गला हमारे पास कट के तैयार हो जाएगा। अब इसी पे हम वी कट का निशान भी लगा लेंगे हाथ के हाथ, देखें इस तरह से। ये भी आप अपने नाप के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने लिया है तकरीबन जो बीच के जो कटिंग का जो फासला होगा वो तकरीबन 1 इंच का होगा, तो हमने 1/2 इंच पर हमने निशान लगाया है, या 1/4 इंच का लगा लीजिएगा आप, तो तकरीबन 1.5 इंच का या 1 इंच का आप इसे बीच में से कट लगा सकते हैं। और 1-1 इंच के फासले पे हमने निशान लगा के इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसको हम एक एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका लेंगे। ये देखें, इसको हमने चिपका लिया, इसके अंदर चिपका लिया हमने फ्यूजिंग पूरी, 1 इंच की पट्टी भी चिपका ली। और अब इसमें मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता सा है। ये स्पेशली जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं वो मेरी बहन है जो घर में रहती हैं, ज़्यादा बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं और घर में से ही कुछ ना कुछ कोशिश करके कर लेती हैं, तो मैंने भी एक जुगाड़ निकाला है, समझ लें एक जुगाड़ ही है। ये जो है अरारोट होता है, जिसको कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा हम लेंगे एक प्याली में और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे हम, सिंपल सिर्फ पानी हमने मिक्स करना है, और इसको हल कर लेंगे अच्छी तरीके से, और एक रुई की मदद से हम इसको देखें इसको हल कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने कॉटन ले ली अच्छी तरह से, और इसकी जो हमने इसको चिपकाना होता है, जरा हम हल्के हल्के से लगाएंगे इसको और इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे, तो ये इतना अच्छा चिपक जाता है इस पर जैसे हमने किसी ग्लू से लगाया है या हमने UHU से लगाया है। आप लाजमी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, चाहे कॉटन का कपड़ा हो, चाहे रेशमी कपड़ा हो, या जॉर्जेट हो, या कोई सा भी कपड़ा हो, ये बहुत आसानी से इस पर इस तरह से प्रेस हो जाता है कि हटाने से भी नहीं हटता, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखें, जितने भी टेलर हैं वो सब ज़्यादातर यही टिप यूज़ करते हैं। ठीक है, हम अगर UHU भी लगा रहे हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये अगर हमें कुछ ज़्यादा अगर चिपकाना है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो आप ये ज़रूर लाजमी ट्राई करके देखिएगा, तो आप ज़रूर आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे, क्योंकि UHU जो है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है हमें। तो इस तरह से हल्की फुल्की अगर हमें पट्टियों पे चिपकानी है तो इनको हम इस तरह से चिपका सकते हैं। ये देखें, गोलाई पे भी ये बहुत आसानी से, ये देखें बहुत अच्छे से प्रेस हो जाएगी, और 10-20 रुपए का आ जाता है आराम से अरारोट, और आप आराम से इससे बहुत सारा
जो है यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी दिन चलेगा ये देखें। बस हमें इसको, हमने इसको इसके सीधे साइड पे रखेंगे नेक को, और इसके जो वी कट है, सिर्फ हमने जो सिलाई है इसके सिर्फ वी कट पे लगानी है और गोलाई पे बिल्कुल भी नहीं लगानी है स्टार्टिंग में। ये देखें, सिर्फ हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम फ्यूजिंग के। ये देखें, बस सिर्फ यहीं पे ही हमने ये सिलाई लगा लेनी है, और इधर उधर से हम दोनों तरफ से पिने निकाल लेंगे, और इसको आराम से इसको एक तहप इसकी पलटेंगे, और इसकी जो नोक है इसके इधर से भी पलट लेंगे इसको फ्यूजिंग को, और इस पट्टी को इसके साथ लगाएंगे बिल्कुल जहाँ हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई के साथ मिला के लगाएंगे, और आधा इंच जो है हम इसको ऊपर की साइड पे निकाल देंगे, ताकि ये जब हम इसके गले के जो गोलाई की हम सिलाई लगाएं तो ये उसके अंदर दब जाए। ये देखें, अब इसको हम सेंटर कर लेंगे डबल करके। आप चाहें तो इसके साथ लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर आकर हम इसको टर्न करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मैंने आपको इतनी ज़बरदस्ती टिप बताई है इसमें, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ये देखें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सबको ये बात पता चल जाए कि अरारोट से हम बहुत अच्छे से हम अपने काम में ला सकते हैं। ये देखें, इसको फिर इधर से भी हम इसको इसी तरीके से पलटेंगे, पट्टी को, इसको गले की जो पट्टी है इसको पलट के। ये देखें, इसकी नोक जो है बहुत फिनिशिंग से और सफाई के साथ हम यहाँ पे लाके सिलाई को रोकेंगे। इसको भी इसी तरीके से इसके बराबर बराबर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, आराम से। बस अब हम इसको जो है डबल सिलाई लगाएंगे, जो इसका दूसरा वाला साइड है यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये जहाँ पे वी कट आ रहा है तो यहाँ पे हल्का सा झोल आता है, तो हम इसको हल्की सी मामूली सी यहाँ पे चुन दे देंगे ताकि वो झोल निकल जाए। दूसरी साइड पे भी हम इसको इसी तरीके से एक हल्की सी चुन देंगे, और यहाँ पे फिनिशिंग, ताकि हमारे जो कपड़े की जो फिनिशिंग है, इस पट्टी की जो फिनिशिंग है वो बरकरार रहे, वरना तो अगर हम ये चुन नहीं देंगे तो फिर वो झोल आता रहेगा उसमें। और बस हमें इसको गले को सीधा करके यहाँ पे गोलाई से हमने इससे सिलाई लगा के कट कर देना है, और फिर इसमें हल्के हल्के से कट लगा के इसको पलट लेंगे। और ये देखिए, हमारा गला सिल के तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही प्यारा सा। आप चाहें तो इसमें बटन लुक्स कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कस्टमर की यही डिमांड थी कि उसको सिंपल चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको इसमें टिप भी बता दूंगी और ये भी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो देखें कितना ज़बरदस्त सी फिनिशिंग आई है इसकी, कोई इसके अंदर से पीछे से कोई धागे वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, वो सब इसके अंदर चला गया है। और यहाँ पे आराम से आप इसमें पर्स लटका सकते हैं, कोई मोती टसल्स जो आपका दिल चाहे वो आप इसमें लगा सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और एक बेहतरीन सी वीडियो के लिए मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।